खरगोन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीख आने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने शनिवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पत्रकारों को भी आमंत्रित किया गया था, परंतु जनसंपर्क अधिकारी से नाराजगी के चलते पत्रकारों ने प्रेस वार्ता का बहिष्कार कर दिया। दरअसल खरगोन के जनसंपर्क अधिकारी ने सभी पत्रकारों को प्रेस वार्ता में आने की सूचना दी थी, लेकिन जनसंपर्क अधिकारी के व्यवहार से नाखुश पत्रकारों ने प्रेस वार्ता का बहिष्कार कर दिया। इस दौरान जनसंपर्क अधिकारी का स्थानांतरण करने की बात कहकर तहसील अध्यक्ष मुकेश ठक्कर ने बताया कि अधिकारी का व्यवहार पत्रकारों के प्रति संतुष्टिपूर्वक नहीं होने से उन्होंने प्रेस वार्ता का बहिष्कार किया है, न कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रेस वार्ता का। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। अभी हमने कौन कौन है तुम्हारा पेपर कौन कौन निमाड़ की जमीन, अरे मानवा और निमाड़ की में कोई मेहमान आता है जैसे पहली बार तो स्वागत करो। बिहारों का क्या दायित्व है कि शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करना और मीडिया से तालमेल बिठा के काम कर सकते हैं। ये तो शुरू से आए जब से ही है, कभी पत्रकारों का अधिकृत सूची नहीं देते हमको। एक चीज, दूसरी चीज, पीआरओ साहब के बीच में, हमारे बीच में जो मनभेद कह लो या मनमुटाव कह लो या फिर कम्युनिकेशन गैपिंग कह लो या कुछ लोगों को आगे करने की बात की, मेरा ऐसा कहना है मतलब कि इस कलेक्टर साहब कुछ नहीं हुआ, इसके पहले पूर्व में पीआरओ साहब के नेतृत्व में ऐसी घटनाएं हो चुकी है। पत्रकारों में उस बात का भी विरोध है, पत्रकारों का विरोध प्रशासन से किसी प्रकार का, चुनाव के लिए और चुनाव के लिए रही बात, ये जो बातें आ रही है ना, पीआरओ साहब व्यक्तिगत पीआरओ साहब के सबसे अच्छे संबंध, पीआरओ साहब से ऐसा नहीं कि संबंध नहीं अच्छे, पीआरओ साहब के मसला नहीं था, सारी बुला रहे हैं। वो कलेक्टर साहब ने ऐसा कभी भी नहीं बोला कि परिस्थिति ऐसी थी कि मैंने 10 बोला, ये मैं खुद गया था उनके पास, उन्होंने बोला आप लोग उस दिन क्यों नहीं आए, मैंने कहा सर हमको कुछ नहीं, हमने जाके कोई नहीं आएगा। आपके हिसाब से भी सुनने दिए, 8-10 लोग ही आए हम, बराबर जैसा आज आपने ये प्रेस वार्ता का सूची सार्वजनिक करा व्हाट्सएप पे, तो उस दिन भी कर देते यार। देखो अब यही सब चीज़ों के लिए सेक्रेटरी साहब खुद मिलना चाह रहे हैं, आपको यही सब पता चल जाएगा कि क्या हुआ था क्या नहीं। मैं 17 बात करूँ आप 17 बात करो तो कोई मतलब नहीं। आप एक मिनट, बात ये है सीधी सी कि जो आपके जो बात है वो बात रख दो ना, सबके सामने रख दो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल में तो आप लोगों को चलना चाहिए, यही अवसर आपको बताना कि जो बैठक होने वाली थी उसका बहिष्कार किया, क्या मामला था पूरा? पहले तो बता दूं, निर्वाचन की बैठक का बहिष्कार नहीं था, हमारा बहिष्कार पीआरओ साहब से था। पीआरओ साहब का पत्रकारों के साथ जो भेदभावपूर्ण रवैया है उसको लेकर हमारा आज बहिष्कार था, और क्योंकि वो प्रेस वार्ता की सूचना हमें पीआरओ साहब के द्वारा व्हाट्सएप पर प्राप्त हुई थी, इसलिए हम उनके आदेश के अनुसार अब हम उनके ये जो प्रेस वार्ता थी उसका हमने जाने से बहिष्कार करा है। क्या कारण क्या रहा? कारण पीआरओ साहब का भेदभावपूर्ण रवैया है, गिनती के 4 पत्रकारों को बुलाकर वो अपने काम को इतिश्री कर लेते हैं, अधिकारियों के सामने अपना जो कार्य वो पूरा कर ले, बाकी के पत्रकार लोगों को सूचनाएं नहीं मिलती समय पे, ना ही उन्हें कलेक्टर साहब अभी जो नए निर्वाचित आए जो आए कलेक्टर साहब इनसे मिलवाया गया, और उसके बाद में हमेशा उनका यही रवैया रहा है जो पत्रकारों के साथ द्वेषभावनापूर्ण करते हैं, अब इस तरह का व्यवहार करते हैं तो हमको पीआरओ साहब का जो है हमने पूरी तरह से आज सब भाइयों के साथ मिलकर इस प्रेस वार्ता का, निर्वाचन आयोग की प्रेस वार्ता का हमने बहिष्कार करा है। अब मांग क्या है आपकी? हमारी मांग है कि पीआरओ साहब का स्थानांतरण किया जाए और ये भेदभावपूर्ण जो रवैया करते हैं और जो उन्होंने त्रुटिपूर्ण कार्य किया इसकी भी जांच की जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।